नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज से। अवैध बाड़ा बनाकर आवारा गौवंशों को किया कैद, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल ने कार्यवाही की मांग। आपको बता दें, मऊगंज जिले में आवारा गौवंशों को अवैध बाड़ा बनाकर रखा जा रहा है, जहां चारा पानी की व्यवस्था नहीं है। इस समय किसानों की फसल खेत में लहरा रही और आवारा गौवंश फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रशासन गौवंशों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही, जिसके कारण लगातार अवैध बाड़े ग्रामीणों के द्वारा बनाए जा रहे, जहां पर गौवंशों के लिए ना तो चारा की व्यवस्था होती है और ना ही पानी की कोई व्यवस्था की जाती है। ऐसा ही मामला मऊगंज जिले के खटकरी चौकी परिसर के पास से सामने आया है, जहां पशुओं को कैद करने के लिए एक बाड़ा बनाया गया है और उसे बाड़े के अंदर सैकड़ों पशु बिना भूसे और पानी के कैद हैं। बाड़े में कैद पशुओं के पैरों को भी बांधा गया है और इस तरह से पैर और मुंह को बांध दिया गया कि वह घुट घुट कर मर जाए। इस बात की जानकारी जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संभागीय मंत्री सुनील मिश्रा को हुई, तो सुनील मिश्रा के द्वारा इसकी शिकायत पुलिस से की गई और साफ तौर पर कहा गया कि पशुओं को इस तरह कैद कर बिना भोजन पानी के बाड़े में कैद रखना पूरी तरह से गलत है। सुनील मिश्रा के द्वारा प्रशासन से पशुओं को व्यवस्थित करने के लिए पूर्व में भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और ऐसे में पशु घुट घुट कर मरने के लिए विवश हो रहे। सुनील मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो वह हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर आने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मध्य प्रदेश के रीवा से संवाददाता रोहित पाटिल की रिपोर्ट। चाचा, क्या नाम है आपका? रामाश्रय पांडे। तो यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है मवेशियों की, जो कि इनको एक बाड़े में कैद कर दिया गया है और इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मरने के कगार में पहुंच गए हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? इनको न चारा मिल रहा है, न भूसा मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, तो मर जाएंगे ना। नहीं तो आप चाहते क्या है? इनको आजाद करवा दिया जाए कि प्रशासन इसमें कोई एक्शन ले, इसकी रक्षा करे प्रशासन। अभी हाल में मुझे मसाला बनवाने के लिए दे रहा है ना। अभी हाल में मुझे बताया गया था कि कम से कम 30 से 35 गाय गौ माता का बताए। और आज यहाँ किस लिए आए हुए? मेरा नाम सुनील मिश्रा है और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का संभागीय मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ जी। और अभी मुझे एक लगभग आज से 3-4 महीने पहले एक घटना घट चुकी थी, जिसकी मैं सूचना मैं थाने में दिया था इसके लिए। फिर लोग बोले कि अगर आप नहीं बंदी बनाएंगे ऐसा ऐसा करके, जो लोग थे शामिल थे। क्या घटना घटी थी? हो गया ऐसे, जैसे बाड़ा बना हुआ है। अच्छा। ऐसे बाड़ा बना के इनको न पानी न भूसा न चारा कुछ मिलेगा नहीं, तो ये मरती चली जाएंगी। आज सुबह हमको फोन आया श्रीकांत पांडे जी का, जो हमारे मऊगंज के ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं बजरंग दल से। अच्छा। तो हमको कॉल किए, बोले कि तो एक और खाई है आपके यहाँ से 100 मीटर आगे उस पार में, वहाँ भी जो है तो पानी भरा हुआ है, जो गौ माताएँ वहाँ 300-150 पानी में थी। अब वो लोग जब जान गए तो भगा दिए, क्योंकि मैं कई बार मैं आप लोगों के माध्यम से कई बार लोग मैं प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। मैंने थान पंचायत का गौफाला तक चेक करने गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सरकार का पैसा सरकार लूट रही है। अब देख लीजिए, आपके सामने है गौ माता लोग हैं, अब बताइए, इनको हम गौ माता कहते हैं, सनातन धर्म की एक पहचान है। अगर हम अपनी माँ को माता कह रहे हैं, तो अगर माँ कह रहे तो माँ की तरह रखना मेरा कर्तव्य भी होता है। यहाँ पर क्या दिक्कत है? अब यहाँ अब आज लगभग 10 दिन से ऐसे पड़े हुए हैं, बिना चारा के बिना भूसा के। हमको जानकारी आज हुई, लेकिन जब यहाँ के आसपास रहने वाले लोग हमको बता रहे हैं 4 से 5 दिन हुआ है। अब धमकी, अगर कोई इनका कोई ढीलने का प्रयास करेगा तो यहाँ धमकी दी जाती है कि फिर तुम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। धमकी किसके द्वारा दी जाती है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। धमकी तो हमें खुद ही बहुत सारी धमकी आती रहती है।
हमको खुद हमको मारने तक का प्रयास यहाँ से किया गया है कि मतलब ये कभी मैं ऐसे जैसे अभी एक बीच में गौ माता और थी, ये पीपर खाड़ की घटना थी जहाँ मैंने उनको जब बरी कराया तो वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमसे विवाद करने पर उतारू हो गए। लेकिन अपन ने तो संकल्प लिया है कि गौ माता रक्षा, गौ रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, सनातन धर्म का नियम है, वो मैं करूँगा और कर रहा हूँ। जैसे मुझे खबर चली तो मैं पहले FIR किया जाके चौकी में, आपके खटकरी चौकी में FIR करने के बाद आप लोगों के माध्यम से ये बात मैं पहुँचा रहा हूँ। आवारा मवेशियों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आवारा मवेशी है कहाँ, ये जितने भी मवेशी यहाँ बंद होंगे किसी न किसी घर के हैं, एक एक अब छोड़ छोड़ अब ये अब कहीं बाहर थोड़ी ना है, इन्हीं गांव में कि ना किसी का होगा। प्रशासन द्वारा गौशाला खोली गई है, तो गौशाला में ये मवेशियों को नहीं ले जाया जाता है। मैं SDM साहब से, AK सिंह SDM साहब थे उस टाइम पर, मैं तहसील का घेराव किया था जी, तो मुझसे वो उनके माध्यम से बताया गया था कि 37 गौशालाएँ हमारी चालू हैं, जहाँ आप जो है तो गौ माताओं को शिफ्ट करवाइए। उसमें कुछ गौ माताएं गौशाला में शिफ्ट भी हुई थी, लेकिन आज इतने भी गौशाला में गौशाला भी चेक किया, वहाँ न भूसा है, न चारा है, न पानी है, न चलाने वाला कोई दायित्व है, मतलब हर तरह से भ्रष्टाचार, गौशाला के नाम पे भ्रष्टाचार। बाकी तो आपके सामने गौ माता दिख रही है, अब बताइए इनके इनके लिए अगर मुझे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं समझौता सब में कर सकता, लेकिन गौ माता के पक्ष में मुझे समझौता बिल्कुल करना ही नहीं। प्रशासन को आप क्या चेतावनी देंगे? मैं प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की घटना जो घट रही है तत्कालिक इसमें कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर मैं मजबूर हूँगा कि मुझे उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं नियम का उल्लंघन करूँ, क्योंकि ये अगर इनका अपमान है तो मैं अगर नियम का उल्लंघन करूँगा तो शायद सबको भारी पड़ेगा, कहीं ना कहीं समाज को भी भारी पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को भी भारी पड़ेगा। धन्यवाद। प्रशासन के लिए क्या कहना चाहते हैं वापस पर? मैं आप मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आया और हमारी बात सरकार तक पहुँचाने, प्रशासन तक पहुँचाने के लिए आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि जो मैं ये जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर देखिए बाद में हमको, हम लोगों को पर चाहे जितने मुकदमे लगें, लेकिन जितने कर्मचारी हम यहाँ हनुमाना से लेके मऊगंज तक में जितने भी गौवंश कर्मचारी रहेंगे, चाहे जो भी अधिकारी रहेगा, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, जवाबदारी मेरी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं निवेदन करते करते थक चुका हूँ। मतलब कार्यवाही करवाने के लिए आप उनके साथ तक किसी हद तक जा सकते हैं? हाँ, किसी हद तक जा सकता हूँ। अगर मेरी बात नहीं सुनी जाती, तत्काल कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर ये अगर आगे कुछ घटना कोई घटती है तो सरकार की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। धन्यवाद।